बाजार में उतार सकती है। इस अपकमिंग सस्ते स्मार्टफोन को लेकर कुछ जानकारियां सामने आई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले दो सालों में 200 मिलियन एंट्री लेवल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करने का टारगेट लेकर चल रही है। साथ ही कंपनी ने सभी लोकल मैन्युफैक्चरों को अपने प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए भी कहा है। इन फोन्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्ले स्टोर के कई ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल सकते हैं। इसमें सस्ता डेटा पैक भी शामिल हो सकता है और इसकी शुरुआती कीमत महज 4000 रुपए हो सकती है। साथ ही इस फोन में 720x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ HD स्क्रीन मिल सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि रिलायंस जियो 5G सेगमेंट को भी लेकर लो कॉस्ट डिवाइस लाने की तैयारी कर रहा है। ये फोन्स कथित तौर पर ऑर्बिक मायरा 5G, ऑर्बिक मैजिक 5G, ऑर्बिक माउ होंगे। ये डिवाइस एंड्रॉइड 10 के साथ आएगी और इसके मॉडल 4G और 5G सेगमेंट में आ सकते हैं। जब भी आप किसी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो क्या आपको कार पार्क करने के बाद उस जगह को याद रखने में दिक्कत होती है? अगर होती है तो गूगल मैप आपकी समस्या को हल कर सकता है और पार्किंग की जगह याद रखने में आपकी मदद करेगा। गूगल मैप्स पार्किंग की जगह याद रखने के साथ ही आपको उस जगह तक नेविगेट भी कर सकता है। गूगल मैप की मदद से यूजर्स अपनी कार पार्किंग की लोकेशन को पिन कर सकते हैं। इसके बाद आसानी से गूगल असिस्ट से अपनी कार खोजने के लिए कह सकते हैं या सीधे पिन कर टैप कर नेविगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पार्किंग लोकेशन सेव करने की जरूरत होगी। गूगल मैप का ये फीचर हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके लिए कार पार्क करने के बाद आपको अपने फोन में गूगल मैप्स ओपन करना होगा। इसके बाद मौजूदा लोकेशन पर क्लिक करना होगा। ये मैप आपको ब्लू पिन के साथ नजर आएगा। इसे टैप करते ही तीन ऑप्शन नजर आएंगे। इसमें सेव योर पार्किंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ आप पार्किंग नंबर और फोटो जैसी तमाम जानकारियाँ ऐड कर सकते हैं। ये फीचर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अपनी पार्किंग की लोकेशन भूल जाते थे। अगर आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे तो अगली बार से आप गूगल मैप के इस फीचर का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में आसानी से खोज सकें। आप इसी तरह की और मनोरंजक खबरों को देखते रहिए न्यूज़ तक पर।